The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So what are the medicines which control asthma? What medicines control asthma? See, control medicines for asthma are those medicines जो आपके डॉक्टर आपको देते हैं घर पे लेने के लिए, रेगुलरली लेने के लिए, एंड यू हैव टू, यू मस्ट टेक देम एवरी डे, राइट, फॉर देम टू वर्क. अगर आप अस्थमा की दवा दो दिन लेंगे फिर छोड़ देंगे, इट विल नॉट वर्क. दे आर कंट्रोलिंग योर रिएक्शन. वो आपको प्रिवेंट कर रहे हैं कि आप बाहर निकलोगे, कोई एलर्जन मिला, अंदर गया तो आपका कप से अटैक ना हो जाए आपके. सो दे नीड टू बी टेकन डेली. जिनको एस्थमा है उनको कंट्रोल मेडिसिंस डेली लेने होंगे, राइट. सो यू एंड योर डॉक्टर विल मेक अ प्लान फॉर दैट मेडिसिंस कि ये इतना लेना है, वो उतना लेना है. सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट देम टुडे, कौन कौन सी मेडिसिंस है, कैसे कैसे काम करती है, राइट. एंड आपको मेडिसिंस एटलीस्ट एक महीना पूरा लेना होगा, उसी के बाद आपका जो एस्थमा के फ्यूचर अटैक्स या बेटर फील करना आप शुरू करोगे, ये याद रखिए. सो योर बॉडी टेक्स टाइम to, you know, adapt to these medicines. It's very, very important, right? You need to take them regularly for at least a month. And whenever you feel okay, even if you feel okay, you take these medicines and take whenever you are traveling. जब भी आप travel कर रहे हो, अच्छी मात्रा में दवाई लेके जाओ, take enough medicines for your travel and plan ahead. If you run out during the travel, then you will might lead to an emergency like status asthmaticus, right, which we covered in the last part. Then what are these medicines? There is inhaled steroids. Yes, steroids are basic, you know, immunosuppressants. They suppress your allergic reactions to allergens. So we don't usually give injectable steroids, right. Injections nahi dete ki pure system pe act kare aapke body pe, sirf सांस के थ्रू स्टीरॉयड देते हैं जो वहीं के वहीं सांस की नली पे एक्ट करे और ना के बराबर आपके बॉडी के अंदर जाए. तो इनहेल स्टीरॉयड्स दिए जाते हैं जो कि प्रिवेंट करते हैं आपके एयरवेज को स्वेल होने से ड्यूरिंग एन एस्थमा, जब भी एस्थमा अटैक, प्रिवेंट करने में, ठीक है. तो अटैक प्रिवेंट होता है. इनहेल स्टीरॉयड्स आर यूज इन अ मीटर्ड डोज इनहेलर और एंड अ स्पेसर. मीटर्ड डोज एक पर्टिकुलर डोज है और स्पेसर है, स्पेसर में आप उसको मारते हो, स्पेसर में आ जाता है, फिर यू कैन इनहेल इट, राइट. या फिर उनको एक ड्राई पाउडर वाला इनहेलर आता है, वो अलग चीज़ है, राइट. देन यू कैन डिस्कस दीज टाइप्स और कैसे लेना है विद अ डॉक्टर एग्जैक्टली. और इनहेल्ड स्टीरॉइड्स आपको डेली लेने हैं, अगर इवन इफ आप नॉर्मल है, इवन इफ आपका सिम्टम नहीं आ रहे हैं तो भी, राइट. आप उसको डेली लेते हो. कैसे लेना है उसको? लेने के बाद में आपको पानी से माउथ रिंस करके गार्गर कर लेना है और उसको थूक देना, स्पिट इट आउट, सो दैट वो एब्जॉर्ब ना हो जाए सिस्टमिकली, राइट. बिकॉज मुंह से एब्जॉर्ब हो सकता है, वहां से नहीं. सो दैट्स हाउ यू डू इट. इनहेलर लेना है, उसके बाद मुंह से गार्गल करके स्पिट इट आउट, दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट. अगर बच्चा यूज नहीं कर पा रहा है इनहेलर, सो आपको नेबुलाइजर में डाल के उसको नेबुलाइज करना होगा, राइट. ये मशीन क्या करती है, उस दवा को, लिक्विड मेडिसिन को स्प्रे करती है ताकि वो ब्रीद इन हो जाए. नाउ दैट इज द स्टीरॉयड. नाउ ये हुआ स्टीरॉयड जो प्रिवेंट करता है एस्थमा अटैक. देन सेकेंड टाइप ऑफ मेडिसिन इज बीटा एगोनिस्ट इनहेलर्स, दैट इज लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट. ये मेडिसिन क्या करती है, मेडिसिन रिलैक्स द मसल्स ऑफ योर एयरवेज, रिलैक्स द मसल्स ऑफ योर एयरवेज टू कीप देम योर सिम्टम फ्री, कि अस्थमा का जो भी दवा है, जो भी अटैक है उससे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी. सो आपकी ये दवा क्या करती है, रिलैक्स करके रखती है, सो आपके अस्थमा में प्रॉब्लम नहीं आएगी, दैट इज इट. सो नॉर्मली यू यूज दीज मेडिसिन ओनली वेन यू आर यूजिंग इनहेल स्टीरॉयड एंड स्टिल हैव अ सिम्टम, राइट. आपका स्टीरॉयड तो लेना ही लेना है, अगर आपको सिम्टम है, सांस फूल रहा है आपको, बीच बीच में अस्थमा अटैक रोजाना आ रहे हैं, कोई एलर्जी हो रही है, पता नहीं है किस चीज से एलर्जी है, तो आप ये लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट ले रहे हो, राइट. आपको सिर्फ अकेले ये दवा नहीं लेनी है, लॉन्ग एक्टिंग बीटा मेडिसिन अकेले नहीं लेनी, इनको स्टीरॉयड के साथ लेना चाहिए होता है, इसको अकेले नहीं लेनी चाहिए.
यूज दिस मेडिसिन एवरी डे, इसको रोज लेना है, और जब आपको सिम्टम्स होना बंद हो जाए तब हो सकता है आपके डॉक्टर आपको सिंपल सिर्फ और सिर्फ स्टीरॉयड मेडिसिन पे डाल के रखे। कॉम्बिनेशन थेरेपी भी जरूरी होती है, आपके डॉक्टर आपको स्टीरॉयड प्लस लॉन्ग एक्टिंग दोनों पे डालेंगे। इट्स वेरी इजियर टू यूज इनहेलर विथ बोथ ऑफ देम टुगेदर, ऐसे भी आते हैं। तो ये दो टाइप के हो गए। बीटा एगोनिस्ट क्या करते हैं, ब्रोंको डायलेटर्स, ब्रोंको डायलेटर जैसे साल्बुटामोल फॉर जैसे ये चीजें हैं, टर्ब्यूटालीन, एस्थालीन, ये सब है। फिर देर इज समथिंग कॉल्ड ल्यूकोट्रीन मॉडिफायर्स। नाउ ये क्या है, दीज मेडिसिन आर यूज अगेन टू प्रिवेंट एस्थमा अटैक। ये एल्टी एलर्जिक है, एंटी एलर्जिक, ये स्टीरॉयड नहीं है, एंटी एलर्जिक है, अलग है। ये दवाई टैबलेट के नाम पे, टैबलेट के जैसे आते हैं, और ये आप स्टीरॉयड के साथ भी ले सकते हो, अकेले भी ले सकते हो रात को एक बार सोते समय, क्योंकि कई ल्यूकोट्रीन से थोड़ा बहुत नींद भी आती है। तो ल्यूकोट्रीन जैसे मोंटेल्यूकास्ट आप खाते, कई लोग खाते होंगे सर्दी में, राइट? सो दैट इज वन थिंग। एंड देन देर इज समथिंग वाज क्रोमोलिन। क्रोमोलिन इज अ मेडिसिन दैट प्रिवेंट्स एस्थमा अटैक, एंड इसको नेबुलाइजर से लिया जा सकता है, और ये यंग बच्चों को भी दिया जा सकता है क्योंकि नेबुलाइजर से दिया जा सकता है। क्रोमोलिन इज अनदर इम्पॉर्टेंट जो आपको याद रखना है मेडिसिन। सो क्या क्या हो गया, आपके शॉर्ट लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट हो गए, लॉन्ग एक्टिंग प्रिवेंशन के लिए जैसे अटैक होता रहता है उन दोनों के, तो लॉन्ग एक्टिंग एंड जो आपके इनहेल्ड स्टीरॉइड्स हो गए, ये हो गए प्रिवेंटिव मेडिसिन, चार दवाई, राइट, जिनसे कि अटैक नहीं आएगा। ल्यूकोट्रीन इनहिबिटर्स, क्रोमोलिन, लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट एंड इनहेल्ड स्टीरॉइड्स। अब आया एक्यूट रिलीफ, क्विक रिलीफ के लिए क्या करना है, जब आपको अटैक हो गया तो क्विक रिलीफ मतलब अब ब्रोंको स्पाजम हो गया, स्पाजम हो गया है, अब उसको रिलीफ करना है। रिलीफ करने के लिए शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, उसमें शॉर्ट एक्टिंग क्या काम करते हैं, आपका तुरंत जैसे कि अल्ब्यूटरॉल, राइट, देन देर इज टर्ब्यूटालीन, देन मेटा प्रोट्रेनॉल एंड समथिंग ऑल लिवोसाल्बुटामोल, लिवोब्यूटरॉल, ये भी आती है। सो ये सारे आते हैं शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन में। ये क्या करती है, ये भी इनहेलर से लिया जाता है, ये फक से एक्शन करती हैं, खपाखप वो खोल देती हैं तुरंत, लॉन्ग एक्टिंग नहीं है, लंबे समय पे एक्ट नहीं करती है, पूरे 24 घंटे ये उसी टाइम फटाफट इंस्टेंट एक्ट करती हैं, राइट, रिलैक्स करने के लिए। और इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, शॉर्ट एक्टिंग वाले के साइड इफेक्ट क्या है, आप रेस्टलेसनेस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, एनजाइटी हो सकता है, आपको ट्रिमर हो सकता है, थोड़ा हाथ पैर कांप सकते हैं, हार्ट बीट बढ़ सकती है, धड़ 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 हो सकता है। नाउ दीज आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ दीज मेडिसिन जो के है बीटा एगोनिस्ट्स, जो ब्रोंको डायलेट करते हैं। फिर शॉर्ट एक्टिंग में ओरल स्टीरॉइड्स, यानी गोली भी मिलती है स्टीरॉइड्स मुंह से खाने वाली, जिसमें ओरल स्टीरॉइड तब देते हैं अगर ये शॉर्ट एक्टिंग से भी काम नहीं हो रहा है, शॉर्ट एक्टिंग वाले स्टीरॉइड से भी रिलैक्सेशन नहीं हो रहा है, देन यू गो फॉर ओरल स्टीरॉइड्स। ओरल स्टीरॉइड्स आपको पिल्स, कैप्सूल, लिक्विड्स के नाम के हिसाब से मिलते हैं, और ओरल स्टीरॉइड्स जो क्विक रिलीफ मेडिसिन में आते हैं, दो 7 से 14 दिन कम से कम दिए जाते हैं, और उसको धीरे धीरे टेपर ऑफ किया जाता है, उसको तुरंत चालू तुरंत बंद नहीं करते, 7 दिन देके फिर थोड़ा थोड़ा कम करके बंद करते हैं। सो प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोन और मिथाइल प्रेडनिसोलोन, बेसिकली ये सारी ओरल मेडिसिन होती हैं। सो ये दो तरीके की शॉर्ट आपका क्विक रिलीफ मेडिसिन हो गई, 4 तरीके की लॉन्ग टर्म मेडिसिन हो गई जो एस्थमा में इस्तेमाल होती हैं। तो यही सारी मेडिसिन के न्यू फॉर्म्स आते हैं जो आपके डॉक्टर्स आपको देते हैं एस्थमा के अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए और ट्रीट करने के लिए। आई होप यू अंडरस्टूड, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज राइट देम डाउन, आई विल ट्राई टू आंसर देम। सो दिस इज डॉक्टर परमजीत, थैंक यू।